आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। पत्नी ने ही अपने पति नारद मुनि साहनी की अपनी पुत्री व पुत्री के प्रेमी सरफुद्दीन अंसारी उर्फ लालू के साथ मिलकर 17 फरवरी को ग्राम चकिया थाना पिपराइश में की थी हत्या। 3 अभियुक्तों को पिपराइश पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 मोबाइल किया बरामद, SP नॉर्थ ने किया खुलासा। कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे काजीपुर में सीढ़ी बनवाने को लेकर 2 पड़ोसियों में हुई बहस, पड़ोसी ने दिया धक्का, व्यक्ति की हुई मृत्यु, परिजनों ने लगाया आरोप। धक्का देने के आरोपी पड़ोसी मौके से हुए फरार, कोतवाली पुलिस तहरीर लेकर कर रही है विधिक कार्यवाही। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद में होने वाले मतदान के लिए जनता से की अपील, कहा जनपद को गौरवान्वित करने के लिए 3 मार्च को घर से निकलकर जरूर करें मतदान, राष्ट्र को बनाए मजबूत। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र व छात्राओं को 3 मार्च को मतदान करने के लिए दिलाया मतदाता जागरूकता की शपथ। आगामी दिनों में VVIP के आगमन पर सुरक्षा दिए जाने को लेकर पुलिस लाइन में पुलिस के द्वारा किया गया रस्सी पार्टी टीम का मॉक ड्रिल। SPCT ने कहा VVIP को सुरक्षा देने के लिए अलग से बनाई गई हैं 2 टीमें, VVIP को देंगी सुरक्षा। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान कार्मिकों का मतदान गोरखपुर विश्वविद्यालय में सकुशल हुआ संपन्न। प्रेक्षकों की निगरानी में कार्मिकों ने बैलेट बॉक्स के माध्यम से किया अपने मत का प्रयोग। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर पदाधिकारियों ने महापुरुष सम्मान यात्रा का किया आयोजन, किया सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई एवं माल्यार्पण, कहा प्ले कार्ड अभियान के माध्यम से किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार। चोरी के सामान के साथ राजघाट पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, 1 बजाज मैक्सिमो ऑटो, 185 किलो 110 ग्राम तांबा, 15 किलो 340 ग्राम जस्ता किया बरामद, भेजा जेल। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान कार्मिकों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण सोमवार को भी रहा जारी, EVM मशीन के संचालन सहित दी गई विस्तृत जानकारी। और गोरखपुर में सोमवार को पाए गए 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज, तीसरे दौर में पहली बार संख्या पहुंची इकाई में। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 307। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।